पंजाब पुलिस की कमान एक बार फिर तब्दील। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज पंजाब के दूसरी बार आईजी तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज का ताल्लुक पुलिस के 14वें कॉमन से है। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब और एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सीट पर भी काम कर चुके हैं। अभी वफाकी सेक्रेटरी एंटी नार्कोटिक्स के फराइज सरंजाम दे रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर की तब्दीली का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर जारी। विफाकी सेक्रेटरी दाखला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान और विफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स अहमद नवाज सुखेरा दौड़ में शामिल। वजीर आजम और वजीर आला की मुलाकात में अहम फैसले किए गए। 7 सीनियर अफसरान के नामों की फहरिस्त भी तैयार। वजीर आला जिसको चाहें तब्दील कर सकते हैं। शहबाज गिल। अफसरों के तबादलों का सिलसिला मामूल का हिस्सा। इंतजामी तौर पर तबादलों का सिलसिला चलता रहता है। ब्यूरोक्रेसी की वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए। कवानीन पर सख्ती के साथ अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इख्तियारात को निचली सतह तक लेकर जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मिलावट माफिया के खिलाफ मुहिम का आगाज कर रहे हैं। रमजान मुबारक से कबल आगाही मुहिम शुरू करेंगे। वजीर आला ने फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में न्यूट्रिशन क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। क्लिनिक के मुख्तलिफ सेक्शन का मुआयना। फूड अथॉरिटी के डे केयर सेंटर का भी दौरा। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। काफी घर मसले पर हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत को बहुत वक्त दिया है। चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। 2010 से 2018 तक इसी वफाक ने बहुत अच्छा काम किया। अब क्या हो क्या है। कुछ कुव्वतों को 18वीं तरमीम में सूबों को बाख्तियार बनाना अच्छा नहीं लगा। हमने तजुर्बों में पाकिस्तान के एक हिस्से को बांग्लादेश बना दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक स्पीकर सरदार सादिक की खुश दामन के इंतकाल पर ताजियत का इजहार। मगरबी हवाओं का रुख। शहर में शदीद आंधी। लाहौर में वक्फे से बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 48 घंटे तक बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की वार्निंग। शदीद आंधी की वजह से बिजली का निजाम मुतासिर। 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि फील्ड स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ फैमिली की खातिन को तलबी के नोटिस मंसूख। नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया। अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी जवेरिया और राबिया से मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक्स में आने वाली रकम के हवाले से पूछा गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं शरीफ फैमिली के केसेस की खुद निगरानी करूंगा। नैब खातीन के तकद्दस और चार दीवारी के एहतराम पर यकीन रखता है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर गामजन है। करप्शन केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रमजान शुगर मिल के लिए सरकारी फंड से नाला बनाने का मामला। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज नैब में पेश। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल दोबारा से तलबी होगी। हमजा शहबाज ने साफ पानी रमजान शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में 17 अप्रैल तक हाई कोर्ट से अगूरी जमानत हासिल कर रखी है। रमजान शुगर मिल के ड्रेन नाले केस में इब्तदाई रेफरेंस दायर हो चुका। कानूनी तौर पर समझ से बाहर है कि आज इस केस में क्यों बुलाया गया। तर्जुमान शरीफ फैमिली अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि कल की पेशी के हवाले से कानूनी मुशावरत करेंगे। हमजा शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस में पेशी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमजा शहबाज से कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 23 सवाल किए। रमजान शुगर के नाले की तामीर के लिए सर्वे करवाया गया। क्या आपके इल्म में है, नैब का सवाल। जो नाले का सर्वे हुआ उससे मुतल्लिक मामलात मेरे इल्म में नहीं। रमजान शुगर मिल्स के तमाम मामलात सलमान शहबाज देखते थे। हमजा शहबाज का जवाब।
चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल ने गैस की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। उस्मा आदिल कहती हैं कि दो साल से गैस की कीमतें नहीं बढ़ सकी, कीमतें खरीद और फरोख में फर्क बढ़ गया है, 75 से लेकर 80 फीसद तक इजाफा हो सकता है। 20 मई तक नई कीमतों का फैसला होगा, जबकि 1 जुलाई से नई कीमतों का इतलाक होगा। नया बल्दियाती निजाम, नून लीगी बल्दियाती नुमाइंदगान का इकट्ठ, 12 मेयर समेत 24 डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैनशिप हुकूमत के खिलाफ मुतहद, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कहते हैं निजाम ठीक है, चेहरे और जमात पसंद नहीं, हक पर शब खून नहीं मारने देंगे। नया बल्दियाती मुसविदा रुकवाने के लिए परवेज इलाही के पास जाए, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विहाड़ी पीर गुलाम मोहीउद्दीन चिश्ती का मशवरा, कहते हैं चौधरी परवेज इलाही ही ऐसी शख्सियत है जो बल्दियाती निजाम को बचा सकते हैं। शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ का छठा तिब्बी मुआयना आगा खान अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने मुआयना किया। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि आरज़े कल्ब से नवाज शरीफ की जान को खतरा है, दोबारा बाईपास करने की जरूरत पड़ सकती है। दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियानों में बंदिश है, बैकअप पेसमेकर की भी जरूरत होगी। नवाज शरीफ के इलाज के लिए डॉक्टर्स की हतमी सिफारिशात का अभी तक इंतजार है। नवाज शरीफ के दिल के अलावा दिमाग की शरियानों में खून की गर्दिश ठीक तरह से काम नहीं कर रही, इस सूरत हाल में सर्जरी से किसी दूसरे स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। मरियम नवाज का ट्वीट। वासा पुल यूनियन सीबीए का दरिया बिछाकर वासा हेड ऑफिस में धरना, महकमे की निजकारी नामंजूर, ओवर टाइम अलाउंस की बहाली का मुतालबा। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का मुतालबात मानने से इनकार, कहते हैं कि मुजाहरीन के साथ किसी किस्म के मुजाकरात नहीं करेंगे, जो धरना देना चाहता है शोक से दें। वासा मुलाजमीन ने धरना कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। वीसी वासा ऑफिस में तोड़ फोड़ पर मुजाहरीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गयी। वासा इंतजामिया ने कल का एहतजाज रोकने के लिए एंटी राइट फोर्स की खिदमत मांग ली। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स का 7वें रोज भी धरना, ड्राफ्ट्समैन भी काम छोड़कर हड़ताल में शामिल। मुजाहिरीन कहते हैं एहतजाजी धरने का दायराकार वसी करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और एप्का का भी इंजीनियर्स की हमायत का ऐलान, धरना कल तक के लिए मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी से तालिबे इल्म अगवा, बड़े तसादुम के खतरे के बाईस तमाम हॉस्टल्स बंद कर दिए गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हंगामी तौर पर बाहर की छुट्टियों के नाम पर हॉस्टल्स बंद कर दिए। मुखवी तालिबे इल्म बरामद ना होने पर तलबा ने कैंपस पुल पर ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज भी किया। तालिबे इल्म के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों और डॉल्फिन फोर्स के लिए गश्त खुला चैलेंज। मुस्तफा टाउन में मोटरसाइकिल सवारों की सरेआम हवाई फायरिंग, इलाके में खौफ हरास, वाज़ह फुटेज के बावजूद मुलजिमान पुलिस की पहुंच से दूर। तर्जमान पुलिस कहते हैं मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कानून के इल्म पर दस्तरस रखना मुनसब का फर्ज होता है। जुडिशल अफसरान सख्त मेहनत से काम कर रहे हैं। ख्वातीन जजिस के मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। जुडिशल अफसरान की इज्जत नफ्स का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार शमीम खान का खिताब। अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पंजाब जुडिशल अकेडमी में जजिस के 3 रोजा तरबियती कोर्स का आगाज हो गया। पुलिस की नाकिस तफ्तीश करने पर आईजी पंजाब की हाईकोर्ट तलबी, अदालत ने आईजी को सरकारी दस्तावेजात में जजेस का नाम लिखने से रोक दिया। FIR और दीगर सरकारी दस्तावेजात में सिर्फ अदालत का जिक्र करें। अदालत, एक शख्स बैरून मुल्क है, उसकी मदयत में मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज है, पुलिस मुकदमात में नाकिस तफ्तीश कर रही है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का आईजी से इस्तफसार, जिन अफसरान ने गफलत बरती उनके खिलाफ आज ही एक्शन लूंगा। आईजी पंजाब का जवाब।
लड़ाई झगड़ा केस में गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर डीपीओ सियालकोट की अदालत में सरजनीश, अदालत से बाहर आकर अपना गुस्सा सहाफियों पर निकाल दिया। फोटेज बनाने पर सहाफियों के मोबाइल छीनकर फोटेज को डिलीट कर दिया। सहाफियों को संगीन नतायज की धमकियां, मोबाइल वापस करने से भी इनकार कर दिया। साबिक एडवोकेट जनरल काप ने खिलाफ अदालती कार्रवाई को चैलेंज करने का फैसला। अहमद उवैस कहते हैं, मेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई गैर कानूनी है। फुल बेंच की जानिब से वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर दबाव डाला गया। उसूलों पर कायम हूँ, किसी ताकत के दबाव में नहीं आऊंगा, हमेशा हक के लिए लड़ूंगा। एंटी करप्शन में तायुनात, बेशतर अफसरान मेहमाना कवानीन से लाइम है। शफाफ तहकीकात के अमल को बढ़ाने के लिए अफसरान की तरबियत करेंगे। किसी जुर्म को रोकने के लिए कबल अज़ वक्त इकदामात करना होंगे। पाकिस्तान हम सब का है, इसमें बेहतरी चाहते हैं। एंटी करप्शन का मकसद करप्शन को रोकना है। करप्शन को रोकने के लिए नई हिकमत अमली बना रहे हैं। डीजी एंटी करप्शन एजाज शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमजान बाजारों के लिए मेयर लाहौर माइनस फार्मूला तैयार। डिप्टी कमिश्नर ने मुबशर जावेद के बगैर ही अशिया की खरीदारी के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उवैस मलिक, कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर रेगुलेशन ऑफिसर जुबैर वट्टू एसी हेडक्वार्टर मेंबर होंगे। कमेटी नोटिफिकेशन की कॉपी कमिश्नर लाहौर को इरसाल कर दी गई। हुकूमत माँ बच्चा सेहत के लिए अहम इकदामात उठा रही। सरकारी अस्पतालों में बैन अल-अक़वामी मियार की सहूलतें मुतारिफ करवाएंगे। पंजाब में 5 नए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल तामीर करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से खिताब। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी और चिल्ड्रन अस्पताल के दरमियान ट्रेनिंग और हेल्थ सर्विसेज के बाहमी तआवुन का मुआहदा तय हो गया। ट्रैफिक हादसा हो या फिर कोई और इमरजेंसी, मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस की शानदार कारकर्दगी। 1,00,000 इमरजेंसी रिस्पॉन्ड मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब। डीजी डॉक्टर रिजवान नसीर और डीसी सोले सईद ने मिलकर केक काटा। डॉक्टर रिजवान नसीर बोले, मोटर बाइक एम्बुलेंस मनसूबा अवामी खिदमत का असल मनसूबा है। रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी को इबादत समझ कर अंजाम दें। जज्बा खैर सगाली का शानदार मुजाहिरा। पाकिस्तान की जानिब से मजीद 100 भारतीय माहीगीर कैदी रिहा कर दिए गए। माहीगीरों को बजरिया ट्रेन कराची से लाहौर पहुंचाया गया। ईदी फाउंडेशन की जानिब से कैदियों में खाना और तहाइफ तकसीम किए गए। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सालाना स्पोर्ट्स वीक का आगाज हो गया। बैडमिंटन समेत दीगर खेलों के मुकाबले, मेहमानों ने स्पोर्ट्स गाला को तलबा की दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी करार दिया।